वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो मैंने एक्टिवा कन्वर्जन जो किया हुआ है उसके साथ ही आया हुआ था। स्मार्ट टेक लिखा हुआ है, स्मार्ट टेक बैटरी का। तो देख सकते हैं 48 वोल्ट से 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। मतलब जो हम एक्टिवा पे या बैटरी जिस पे कन्वर्ट करते हैं तो उस पर 48 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हमारा लाइट वाइट जो है वो जलता है। तो ये ख़राब हो गया है, तो मैंने स्मार्ट टेक पे बोला भी था ख़राब हो गया है, तो उन्होंने बोला कि हम दूसरा भेज देते हैं, पर अभी तक आया नहीं है। महीने भर से ऊपर हो गया मुझे बोले हुए, तो मैं इसे खोल के खुद रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव निगेटिव है और यहाँ से 12 वोल्ट आने वाला है, जो दोनों हमारे बैटरी पे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, ये मेरा बैटरी का वोल्टेज है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 56 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव निगेटिव पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला पिन पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका। तो यहाँ पे देखिए, मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ, इधर कोई वोल्टेज शो नहीं करता है, देख सकते हैं ये। तो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इसे खोलते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, इसके लिए हमें ये चारों नट और ये चारों नट और ये एक नट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको खोलना है। तो ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर है, मॉस्फेट लगा हुआ है, उस पे लगा हुआ है हीटिंग के तौर पे। तो ये मेरा टूट चुका है, तो मैं दूसरा निकालता हूँ। तो देख सकते हैं ये पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो देखो, इस पर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको पीछे पलट के देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये आईसी वगैरह लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पे देखिए, ये वाली जो पट्टी है ये कटी हुई दिख रही है, देख सकते हैं। तो ये वाली जो पट्टी है ये कटी हुई है, तो इसको जोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा फ्यूज़ तार टाइप का यूज़ करता हूँ, इस तरह से फ्यूज़ तार वाले जो एक छोटा सा काट के इस पे यहाँ ज्वाइंट करता हूँ। क्योंकि ये फ्यूज़ के तौर पे ही लगा हुआ है, चलिए ये जुड़ चुका है, देख सकते हैं फ्यूज़ तार मैंने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया है। तो अब इसको हम देखते हैं ऑन करके कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं। तो देखिए अब ये 13 वोल्ट देने लगा है, मतलब ये हमारा ओके हो चुका, देख सकते हैं। तो बस इसका फ्यूज़ जुड़ा था समझ लीजिए, फिर ये रेडी हो चुका हमारा। तो इधर से मैं बैटरी का वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है तो देख सकते हैं, इसमें 56 वोल्ट आ रहा है जिसको ये 13 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है। तो अब ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, सिर्फ इसका ये फ्यूज़ ही उड़ा था, ठीक है। तो अब मैं इसे लगा देता हूँ वापस और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।